बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद हुसैन एक बार फिर से कराची सब्जी मंडी डेली अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ भाई। जुम्मे का दिन है आज 19 जनवरी और सुबह 7:40 हो रहे हैं। कराची सब्जी मंडी में दोबारा मैं पहुंच चुका हूँ। चल के देखते हैं सब्जी मंडी कराची में कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई और आज कौन सी चीजें महंगी है। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, बोरी मिर्ची, हर चीज से मैं आपको रेट दूंगा, मुकम्मल अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। तो चल के वीडियो का आगाज करते हैं, ज्यादा देर नहीं लूंगा, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने इनसे पहले रेट कन्फर्म कर लिए, पहले रेट पता किए सारे हर चीज का, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि तुरई जो ना तुरई मंडी के अंदर 100 रुपए किलो मिल जाएगी आपको, यानी तुरई जो आपको नजर आ रही है ये 100 रुपए किलो में मिल जाएगी। आज का रेट जो बता रहा हूँ मैं आपको 19 जनवरी सुबह 7:40 है, 10-11 बजे के सुबह रेट शायद और बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, फिर वो अलग बात है। अभी 100 रुपए किलो बताइए, 110 बेच रहे थे लेकिन 100 रुपए किलो। मटर में आपको बताता चलो, मटर जो है ना मनीर वाला मटर है, बिया भी मटर मुझे नजर आ रहा है, दाना मैंने सिर्फ खाया भी है और है मीठा मटर, अच्छा वाला मटर है, 180 रुपए किलो बताया जा रहा है ये यहाँ पर कराची सब्जी मंडी में। अभी इस वक्त रेट है इसके 180 रुपए किलो। मटर देख रहे आप, हरा भरा मटर भी है, ताजा मटर सही है, 180 रुपए किलो रेट बता रहे। और जो है ना मारो कद्दू है, मारो कद्दू भी महंगा है, सब्जी थोड़ी थोड़ी सी महंगी है। मारो कद्दू 80 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा, बंद सौ पर तलाओगे तो 80 रुपए किलो मिल जाएगा, ये बंद का 500 पर है, सही है, 80 रुपए किलो मिल जाएगा। वैसे खुला है तो खुला 100 रुपए किलो मिलेगा आपको। बैंगन, बैंगन आपको 50 रुपए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। शिमला मिर्च जो है, शिमला मिर्च आज महंगी है थोड़ी मंडी में, ये वाली शिमला जो है ये 120 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। जो अच्छी वाली शिमला मिर्च है ना वो 150 रुपए किलो तक भी, 140 रुपए किलो तक भी है मिर्ची मंडी में शिमला मिर्च, ये वाली 120 रुपए किलो है, सही है। तो ये वाला बैंगन है जाइए भी मुझे सही नहीं नजर आ रहा है, कीड़े वाले 40 रुपए किलो बताया मैंने, 40 रुपए किलो मिल जाएगा। मारे को दूध देना खुला लोगे तो 100 रुपए किलो, थैली तो लाओगे 80 रुपए किलो, टिंडा भी 100 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। गोभी जो है इनके पास रखी हुई ये भी 100 रुपए किलो बेची है इन्होंने। खीरा जो है ना, खीरा खीरा भी रखा है इनके पास, फार्म वाला खीरा, वो भी 100 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। गाजर सस्ती है सिर्फ, और तुरई वगैरह जो है ना तुरई आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगी, 110 रुपए बता रहे हैं। लेकिन लौकी जो है ना, लौकी 70 रुपए किलो मिल जाएगी आपको, 80 रुपए बताया लेकिन 70 रुपए किलो तक मिल जाएगी आपको। फैलो गाजर जो इनके पास पड़े, ये वाली गाजर ये 60 रुपए किलो तरह, हलवे वाली गाजर भी उसमें मिक्स है, जूस वाली पतली वाली गाजर भी दोनों मिक्स है, ठीक है, 60 रुपए किलो बताया। लेकिन जिसके पास गाजर होगी ना ज्यादा, मैं वहां जाकर देखता हूँ कि वहाँ वो क्या रेट दे रहे हैं, सिर्फ गाजर वाले हैं लोग। आगे चल के मैं आपको वीडियो एंड तक देखने, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करने, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखते रहना, आप लोग इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल दे बनाए। बैंगन जो है ना, ये वाले गोल वाले बैंगन रखे, ये भी अच्छे नजर आ रहे हैं भाई, ये 40 रुपए किलो। ये मिर्ची मुझे कुछ अच्छी नजर आई है, ये 130 रुपए किलो दर है शिमला मिर्ची। अच्छा ये पापड़ी, इसको पापड़ी भी कहा जाता है मंडी में, पापड़ी भी और चौड़ी वाली सेम, आप लोग चौड़ी वाली सेम कहते होंगे इसको, ठीक है। ये जो है ना 70-80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बता रहे हैं लेकिन 70 रुपए किलो तक मिल जाएगी आपको। तुरई बड़ी भी नजर आ रही है, माशाल्लाह तुरई बहुत आ चुकी है मंडी में और जबरदस्त तुरई है, बिल्कुल कच्ची ताजी तुरई है, 100 रुपए किलो मिल जाएगी आपको। लौकी जो है ना 70 रुपए किलो मिल जाएगी फाइनल। और बैंगन है ना, बैंगन क्या किलो करे 40, बैंगन ये वाला भी 40 रुपए किलो, लंबा वाला बैंगन भी 40 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। हरा वाला बैंगन कैसे दे रहे, ये वाला भी 40 रुपए किलो, हरा वाला भी 40 रुपए किलो मिल जाएगा आपको इजिली, 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा हरा वाला बैंगन, ठीक है। भिंडी महंगी यार, भिंडी थोड़ी सी महंगी, भिंडी का पता करते हैं ये भिंडी क्या किलो करें, 220 रुपए किलो बता रहे हैं लेकिन 230-240 बेची है भिंडी, सही है कच्ची भिंडी है, 220 रुपए किलो तक लग जाएगी फैनल, 240 बता रहे लेकिन 220 रुपए किलो तक मिल जाएगी आपको। ये वाली जो है ना, ये भी सही है भिंडी, भिंडी ये वाली भी सही है, ये 240 रुपए किलो, ये फाइनल 240 रुपए लगेगी। अच्छी वाली भिंडी जो है थोड़ी सी महंगी है, और हल्की वाली जो थोड़ी हल्की है तो ये भी खास वो हल्की नहीं है, 220 रुपए किलो लग जाएगी आपको, ठीक है। और बैगन 40 रुपए किलो बताया आपको, शिमला मिर्च मैंने बता दी है 120-130 रुपए किलो चल रही है सब्जी मंडी कराची में। भाई ऐसा लग रहा है जैसे ना मौसम ऐसा हो रहा है, बादल बादल छाए हैं, धूप मिलने की अभी तक, अभी 8 बजने वाले हैं, सही है। चल के और देखते हैं कि सब्जी मंडी कराची में हरी मिर्ची धनिया पुदीना कितना सस्ता है आज, कितना महंगा। वीडियो एंड तक देखते रहना आप लोगों ने, वीडियो इसके बिल्कुल नहीं करनी है। फूल गोभी जाना, फूल गोभी अभी तक सस्ती नहीं हुई है मंडी में, अभी तक 100 रुपए किलो फूल गोभी मिल रही है, टिंडा भी 100 रुपए किलो मिल रहा है, और ये पता नहीं इस वजह क्या है समझ में नहीं आ रही। बैगन सिर्फ सस्ते वाले बैगन इनके पास पड़े हल्के थोड़े से, ये 30 रुपए किलो मिल जाएंगे आपको भाई, जैसा माल होगा वैसा रेट होगा, ठीक है। अच्छे माल के अच्छे रेट होते हैं, हल्के माल के हल्के रेट होते हैं। धनिया पुदीना पता करता हूँ,
यानी 140 रुपए की, यानी कि 4 रुपए की गड्डी पड़ेगी आपको 160 रुपए 40, और पुदीना जो है ना पुदीना 250 रुपए का 40, वो आपको 6 रुपए की गड्डी पड़ेगी, पुदीना 6 रुपए की, और धनिया 4 रुपए की गड्डी पड़ेगी। धनिया भी अच्छा वाला है, धनिया मैं आपको दिखा दूँ, ताजा धनिया भी है भी। और मूली कम करा सर, 50 रुपए किलो मूली 50, पालक 30 रुपए, और मेथी 70 रुपए किलो, हरी प्याज 120 रुपए किलो भाई, मेथी जो है ना मेथी 70 रुपए किलो, मेथी भी अच्छी वाली मेथी है, ताजी मेथी है फ्रेश, 70 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। हरी प्याज 120 रुपए किलो, हरी प्याज भी सही है, भी है हरी प्याज, हरी प्याज की निशानी है ये वाली प्याज छोटी होनी चाहिए, सही है, यहाँ से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, और पत्ते भी इतने ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, इतने ऐसे होने, यानी कि ये 120 रुपए किलो, और मेथी जो है ना 70 रुपए किलो, मूली 50 रुपए किलो बताइए भाई ने, पालक इन्होंने 30 रुपए बताई है, लेकिन पालक आपको मंडी के अंदर 25 रुपए तक भी मिल जाएगी पालक। मौसम ऐसा लग रहा है, ये एक मौसम है बारिश होने वाले जैसा ऐसा लग रहा है मौसम, ठीक है। और जो है ना धनिया वनिया माशाला सस्ता है, 4-4 रुपए की गड्डी है, पुदीना 5 रुपए का भी मिल जाएगा आपको, धनिया 4 रुपए का तक मिल जाएगा, 50 रुपए किलो मिल जाएगा आपको, सरसों का साग, सरसों भी है ताजा सरसों 50 रुपए किलो के हिसाब से। और ये पालक है 30 रुपए पालक 30, और ये बच्चे का साग 30 रुपए किलो, बाथू भी 30 रुपए किलो, बच्चे का साग भी 30 रुपए किलो मिल जाएगा आपको भाई, बच्चे का साग 30 रुपए, मेथी 70 रुपए किलो है भाई, मेथी 70 रुपए किलो, धनिया जो है ना 5-5 रुपए की गड्डी, और सोया महंगा है थोड़ा सा, सोया 10-10 रुपए की गड्डी आपको मिल जाएगी, सही है कराची सब्जी मंडी में। और मेथी भी है 70 रुपए किलो मिल जाएगी, हरी प्याज 100, 110, 120 रुपए किलो तक रेट चल रहा है। मिर्ची पूछता हूँ, ये काली वाली मिर्ची भी पूछता हूँ, और मोटी वाली भी मिर्ची मैं पूछता हूँ, ये क्या रेट दे रहा है, काफी रश लगा है माशाल्लाह, मिर्ची ये सब और आपका 200 भैया वाली मिर्ची आपको जो है ना ये थोड़ी सी पतली छोटी इसमें मोटी मिर्च है, ये 100 रुपए किलो मिल जाएगी, सही है। और जो है ना ये वाली मिर्ची ये सारी बड़ी बड़ी है सारी, इसमें मिक्स नहीं है कोई भी, 120 रुपए किलो मोटी वाली मिर्ची आ गई है, 120 रुपए किलो, काली वाली 100 रुपए किलो, ये वाली मिर्ची 100 रुपए किलो, काली वाली मिली है, हाईब्रेड मिर्ची है वो 150, 140 रुपए किलो, नींबू जो है ना जवेरी नींबू जो आपको 80 रुपए किलो तक मिल जाएगा, कराची सब्जी मंडी में 80 रुपए किलो तक मिल जाएगा इजिली। और अदरक लहसुन का रेट बताता हूँ मैं आपको, अदरक लहसुन भी देखते हैं सब्जी मंडी कराची होलसेल प्राइस लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, होलसेल प्राइस जो होते हैं कराची सब्जी मंडी के वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 किलो 3 किलो तक आपको सब्जी मिल सकती है, काफी मिर्ची है, कितनी लेनी पड़ेगी, 3-3 किलो सब्जी मिलती है, मिर्ची 1-1 किलो भी मिल जाएगा आपको, अदरक लहसुन 1-1 किलो भी मिल जाएगा, अदरक लहसुन 1 किलो मिल जाएगा, और सब्जी जो है ना सब्जी आपको 3-3 किलो लेनी पड़ेगी कम से कम, मेथी वगैरह 2 किलो मिल जाएगी, हरी प्याज 1 किलो मिल जाएगी आपको सब्जी मंडी कराची से। अच्छा ये कहीं पर है सेट लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक 430 रुपए किलो है, चाइना मोटर लहसन जो है वो 480 रुपए किलो है, उधर मेहनत है जो 460 रुपए किलो है, देसी लहसन 420 रुपए किलो, अच्छा वाला जो देसी ये पड़ा हुआ है, हाँ देसी जो बेहतरीन लहसन है ये 420 रुपए किलो है, जो मेरी जी लींबू जो है वो 100 रुपए किलो है, देसी लींबू 140 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, हाँ नंबर 0345 नंबर है मेरा, 5306758, ठीक है ना भाई ने रेट बताए, चाहे ना मोटे वाले लहसुन के, अच्छा वाला लहसुन जो है ना ये वाले भी, इसके भी रेट बता दिया आपको, और अदरक जो है ना अदरक के भी रेट प्राइस बता दिया भाई ने, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, अगर अदरक लहसुन वगैरह लेना चाहें तो मंडी के रेट आप इनसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चल के आगे देखते हैं कराची सब्जी मंडी में, और क्या क्या वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में मैंने दूसरे चैनल का लिंक जो है ना वो पेस्ट कर दिया है, मैंने दूसरे चैनल का लिंक, आप उस पर जाके क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और जो है ना फ्रूट मंडी की अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो फ्रूट मंडी की वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इनसे पता गया ये भी 80 रुपए की उधर है, सेम रेट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सही है। सलगम का मैंने पता गया सलगम 60 रुपए में मिलेगा आपको, फैनल फैनल 70 रुपए बता रहे लेकिन 60 रुपए मिलेगा, टिंडा जो है ना टिंडा 100 रुपए किलो भैया, 100 रुपए किलो टिंडा अच्छा है, ये भी टिंडा कच्चा टिंडा 100 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगा, मटर जो इनके पास 170 रुपए किलो, इनके पास 170 रुपए किलो मटर, और गाजर इनके पास जो है ना गाजर भी इनके पास 60 रुपए किलो, वीआईपी गाजर है 60 रुपए किलो दे रहे हैं, लाल लाल गाजर वीआईपी, ठीक है, गोभी गाजर फूल गोभी ये भी 100 रुपए किलो, और सलगम ये पंजाब का आया है सारा, पंजाब वाला सलगम पंजाब से अच्छा आया है, 60 रुपए किलो फैनल फैनल आपको मिल जाएगा, सही है। मटर इनके पास मसाले काफी पड़े हुए, सारे बोरे मटर के 2 बोरी और
और यह भी है बड़ी क्वालिटी की है, मटर मसाला सस्ता हो गया और टिंडा 100 रुपए गुलाब मिल जाएगा, 50 रुपए किलो सलाद पता सस्ता हो चुका है अभी 50 रुपए किलो मिल जाएगा आपको। मेथी रस दे रहे तो 60 रुपए किलो, मेथी उनके पास 60 रुपए किलो सही है, मैं 70 रुपए बता रहे थे उनके पास 60 रुपए मिल गया भाई, घूम करके जितना लोग माल आपको सस्ता मिल सकता है उतना ठीक है। और जो है ना सबसे बता वो जो 50 रुपए किलो मिल गए, ये हरी प्याज 120, हरी प्याज 120 रुपए किलो तक मिल जाएगी आपको ठीक है। मेथी इनके पास पत्ता 60 रुपए किलो और सलाद पत्ता 50 रुपए किलो के साथ। मूली जो है ना मूली इधर आपको 40 रुपए किलो मिल जाएगी, पूरा पूरा बंडल खुलता है भाई, इसमें एक मूली कम नहीं मिलती है, मूली 1-2 किलो आपको नहीं मिलेगी खुली खुली, यहाँ किसी के पास हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये वाला जो है ना ये पूरा बंडल चलेगा 40 रुपए किलो के साथ। मेथी माशाल्लाह मेथी भी काफी सस्ती हो चुकी है और देखते हैं और आगे क्या मिल रहा है। सेम जो है ना लंबी वाली मैं आपको दिखा दूँ, चौड़ी वाली मैंने दिखाई थी वो 70 रुपए किलो थी, ये वाली जो 80 रुपए किलो, ये लंबी वाली सेम है भाई, ये 80 रुपए किलो के साथ मंडी। तो देखते हैं और आगे क्या क्या चीजें मिल रही है, सस्ती कौन सी चीजें मिलेंगी कौन सी सस्ती। 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो भाई, शलजम अच्छा है ताजा शलजम है, धुला हुआ शलजम है, ये भी 70 रुपए किलो, वो था थोड़ा धुला हुआ नहीं था, वो 60 रुपए किलो जो बता रहे थे वो धुला हुआ नहीं था, ये अच्छा वाला शलजम है 70 रुपए किलो। देखें आप चुकंदर मैं आपको बताऊं, चुकंदर अच्छा वाला चुकंदर है, ताजा चुकंदर है, एक नंबर A1 क्वालिटी का, 100 रुपए किलो मिलेगा आपको चुकंदर 100 रुपए किलो, गाजर जो है ना गाजर 60 रुपए किलो आपको मिल जाएगी, गाजर 60 रुपए से कम नहीं है कहीं पे भी मंडी में, आराम खुली गाजर जो है ना मतलब पूरा बोरा चलाओ अगर 50 मिल सकती है, लेकिन खुली गाजर 60 रुपए किलो से कम कोई भी नहीं दे रहा है, 60 रुपए किलो से कम कोई दे रहा है। ये वाली गाजर है चूरा गाजर, ये 50 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगी, और जो है ना लौकी 60-70 रुपए किलो, लौकी की रेट भी 60-70 रुपए किलो, टमाटर बिकता हूँ, टमाटर छोटा वाला नजर आया मुझे, टमाटर भाई ये 1200 रुपए का बता रहे हैं, टमाटर वजन पेटी में 14-15 किलो टमाटर होगा, 14 किलो 15 किलो तो पेटी के साथ 16 किलो होगा, वैसे 15 किलो टमाटर है सही है, ये 1200 रुपए की पेटी दे रहे हैं, 12-12 टमाटर आप देख सकते हैं, टमाटर सही है साफ है, साइज वाला टमाटर है छोटा वाला टमाटर है, 14 पेटी की ला रहे सही है आपको टमाटर, ये फैल है 1200 रुपए का मिल जाएगा। बंद गोभी भैया अभी तक भी मंडी में महंगी चल रही है, 140 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगी इजिली, बंद गोभी देखिए आप 140 रुपए किलो तक फाइनल मिल जाएगी ठीक है। मटर थोड़ी सस्ती हो चुकी है आज 170 रुपए किलो, 160-170 कहीं पे मतलब बाहर आपको इजीली 220 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक मटर मिल जाएगी आज सही है, मटर 15-15 किलो माशाल्लाह देखो 400 मार रहे भाई, यानी कि 160 रुपए किलो लोग यहाँ से लेकर जाएंगे तो 200 रुपए किलो तक सेल कर देंगे आज मंडी, ओ सॉरी बाहर कराची से, कराची सब्जी मंडी से बाहर। टमाटर माशाल्लाह इतना पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टमाटर आया है लेकिन फिर भी टमाटर महंगे हैं ठीक है, टमाटर जो है ना बाहर जा रहा है, यानी कि बाहर दूसरी और मंडी में पाकिस्तान की किसी और मंडी में जा रहा होगा, इस वजह से थोड़ा टमाटर महंगा है 1500-1600 रुपए का। और ये खीरा मैं आपको दिखा दूँ, देसी खीरा एक फार्मी खीरा होता है पतला वाला आ रहा है, इसमें थोड़े थोड़े बीज होते हैं, ये देसी खीरा जो पहले पहले आता था सही है, ये वाला 80 रुपए किलो मिल जाएगा आपको, जो फार्मी खीरा वो फार्म वाला 100 रुपए किलो तक मिल जाएगा ठीक है। ये 60 रुपए किलो मिल जाएगी आपको गोल वाली लौकी, 60 रुपए किलो लंबी जो लौकी जो है ना 70, बंगाली लौकी है, बंगाली लौकी ऐसी होती है हरी वाली, हरे वाले लौकी है भाई, हरे भाई बंगाली लौकी कहलाती है, ये 60 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगी ठीक है, तो ये 100 रुपए किलो मिल जाएगी आपको। और धनिया 70 रुपए, धनिया 4 रुपए का दिया, पुदीना कहीं 5 का है कहीं 6 रुपए का, शलजम जो है ना पत्ते वाला भी आपको 60 रुपए किलो तक मिल जाएगा इजीली, 60 रुपए किलो शलजम पत्ते वाला मिल जाएगा। सरसों का साग इनके पास 50 रुपए किलो, और मेथी वही रेट है भाई 70-60-70 रुपए किलो। मैं हर जगह से इसलिए पता करता रहता हूँ कि आप लोगों को पता चले, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है 2-3 जगह से पता करके फिर माल की खरीदारी करनी है, बल्ले बेचने के लिए आए या अपने घर के लिए लेने आए। देखो शलजम इसमें धुलते हैं कप में, मटर भी इनके पास माशाल्लाह 15-20 बोरी अभी पड़ी है, 10-12 बोरी, और मटर सस्ता है ना इस वजह से देखो पूरा मटर भरा हुआ है, मटर ही मटर है माशाल्लाह, ये भी मटर है जबरदस्त किस्म का मटर है, भरा हुआ मटर आ रहा है भाई, इसमें खाली कोई भी नहीं है, ये भी मटर सही है। शलजम और चुकंदर, चुकंदर 100-100 रुपए किलो, अंधेरे में आ चुका हूँ मैं अभी बाहर निकल निकलता, छोले दिखा दो मैं आपको, होले होले भाई ये भी 300 रुपए किलो हो चुके हैं मंडी में, पहले 400 थे सारे, फिर 350 है, अभी 300 रुपए किलो तक हो गए सही है। ये बीज है भाई इसमें से निकलते हैं सेम फली में, सेम वाले बीज है, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको कराची सब्जी मंडी से इंशाल्लाह मिल जाएगा। मुंगरा छोले, मुंगरा कैसे दे रहे सर, 100 रुपए किलो मुंगरा भाई, 100 रुपए किलो बता रहे हैं, 100 रुपए किलो सही, ये छोले होले 300 रुपए किलो मंडी के अंदर आज होले, और मुंगरा 100 रुपए किलो।
ये देखे खीरा पड़ा हुआ सारा फार्म वाला खीरा 100 रुपए किलो से कम नहीं है कहे भी पूरे पूरे यानी साफर तुलते हैं बंद के बाद। शिमला मिर्ची आपको 120-130 रुपए किलो मिल जाएगी बंद कर भी अभी तक महंगी चल रही है 140 रुपए किलो बंद कर भी 150 भी है कहीं पे 140 है कहीं पे 150 रुपए किलो। तो ये है कराची सब्जी मंडी। गाजर है 60 रुपए किलो गाजर 60 रुपए गाजर के रेट 60 रुपए। अच्छा ये खीरा कहीं पर रहेगा मेरे दूसरे वाले चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगा। दूसरा वाला जो मेरा चैनल है खालिद सब्जी वाला सही है उसको भी सपोर्ट करें भाई प्यार करें। 500 या 1000 सब्सक्राइबर उसके ऊपर कंप्लीट कर गए फिर उस पर भी मैं लाइव आया करूंगा लाइव में आपको मनाजिर दिखाया करूंगा सब्जी मंडी कराची के लाइव आपके सामने बिल्कुल मैं रेट पता क्या करूंगा और आपके सामने होगी हर चीज सही है उस चैनल से मैं इंशाल्लाह लाइव आया करूंगा। कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन कर दिया आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब करें भाई ढेर सारा प्यार दें ठीक है। अभी चल गए मैं आलू और प्याज के मैं रेट डालता हूँ फिर वीडियो एंड करता हूँ। आलू प्याज टमाटर के मैं तफसीलन में पूछता हूँ 2-3 बंदे से बाकी तो तकरीबन हर चीज के मैंने आपको बता दिया बंद गोभी फूल गोभी कोई चीज रहे तो नहीं गिना कुछ चीज रहेगी तो कमेंट कर देगा। ये वाला 1200 रुपए का इसमें वजन कितना होगा इसमें वजन है 14-13 किलो 13-13 किलो तकरीबन 14 किलो वजन निकल सकता है इसमें। ये 1200 रुपए का भाई ये वाला 1250 रुपए का बड़ा वाला ये वाला 1250 रुपए का मिल जाएगा आपको। इसमें भी वजन सेम है दोनों में ठीक है 13 किलो 14 किलो वजन इसमें भी निकल सकता है और इसमें भी 13-13 14 किलो और ये 1200 रुपए का मिल जाएगा आपको। टमाटर थोड़ा सा महंगा है आज आज महंगा है टमाटर यार बहुत महंगा टमाटर महंगा हो गया अभी 200-250 रुपए पेटी पे महंगा हो चुका है टमाटर सब्जी मंडी कराची में। और चल के देखते हैं आलू प्याज वगैरह क्या हिसाब है। आलू प्याज के रेट मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको आपके सामने में पूछूंगा। वैसे मोटा वाला आलू जो है ना 40 रुपए किलो दे रहे और मन लोगे बोरी बंद बोरी लोगे तो आपको 1400 रुपए मन के हिसाब से यानी के बोरी में 35 रुपए किलो मिल जाएगा ठीक है। 1200-1300 रुपए की पेटी चल रही है टमाटर की। आलू जो है ना ये वाला छोटा वाला आलू इनके पास 35 रुपए किलो आपको मिल जाएगा 35 सही है। बड़ा वाला बड़ा जो आलू है वो 40 रुपए किलो ज्यादा छोटा भी नहीं सही है सही साइज वाला है 35 रुपए किलो। और जो है ना प्याज प्याज है 70 रुपए किलो के हिसाब से भी मंडी में ईरानी प्याज तकरीबन फिर बंद हो जाएगी ईरान का बाजार जैसे बंद होगा अच्छा तो वाली बात है कि प्याज महंगी हो जाए सही है शायद वाली बात है मैं पक्की खबर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको और मेरा अंदाजा है कि शायद प्याज और महंगी हो जाए। ये वाली प्याज जो है ना 170 रुपए किलो इससे छोटी वाली जो इनके पास पड़ी वो 150 रुपए किलो ठीक है। ये वाली प्याज 150 रुपए किलो आपको मिल जाएगी छोटी वाली प्याज जो है ना हल्की वाली जो छोटी वाली है वो 150 रुपए किलो। बड़ी वाली प्याज आपको 170-180 रुपए किलो प्याज मिल जाएगी। खुली प्याज का मैं रेट बता रहा हूँ आपको बंद बोरी में शायद और इससे सस्ती मिल जाए आपको। ये वाली ईरानी कैसे दे रहे प्याज मैं आपको ईरानी प्याज बता रहा हूँ ये वाली भी 170 रुपए किलो आज मंडी के अंदर सही है। ये आज भी 170 रुपए किलो के अंदर है तो लंबा वाला आलू जो है ना 40 रुपए किलो खुला आलू 40 रुपए बंद बोरी तो लाओगे तो 1400 रुपए मन 35 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। प्याज 170 से लेके 150 रुपए किलो तक कराची सब्जी मंडी में आपको मिल जाएगी। प्याज चार तकरीबन कम से कम आपको 5 किलो लेनी पड़ेगी 5 किलो 6 किलो इससे कम नहीं मिलेगी प्याज। बाकी सब्जियां जो आपको 3-3 किलो मिल जाएगी और 2-3 किलो मिल जाएगी सब्जी हरी मिर्ची वगैरह 1-1 किलो मिल जाएगी। काफी लोग जो है ना कमेंट्स में पूछते रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। खाली सब्जी वाले को इजाजत दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने और दुआओं में याद रखना चैनल को इसी तरह से प्यार करते रहे सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक कर देख रहे भाई।